आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा रहती है, जानना चाहते हैं हमारा विवाह किससे होगा, कैसे पता करें, हमारी शादी किससे होगी, हमें जीवन साथी कैसा मिलेगा, हमारी शादी कहाँ होगी। तो देखिए, आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक ऐसा आसान सरल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं आपकी शादी किससे होगी, आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपका विवाह कहाँ होगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आप कौन-कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं, विवाह किससे होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी कहाँ होगी। तो देखिए, इसे जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार के नियम हैं, अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के सूत्र हैं, लेकिन मैं एक ऐसा आसान सरल तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिसके माध्यम से हर साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ सके, जिसको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल ABCD भी नहीं पता हो, ऐसा व्यक्ति भी समझ सके विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, विवाह कहाँ होगा। तो देखिए, यह जानने के लिए आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो उसको निकाल लीजिए, चाहे आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता हो, और आपकी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। फर्क इतना होगा, यह जो साइड में मैं उदाहरण के तौर पर कुंडली ले रहा हूं, इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में यही अंक लिखे हुए हों, आपकी कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ हो सकता है। सबसे पहले इस बात को ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें जानना है जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह किससे होगा, विवाह कहाँ होगा। तो ये जानने के लिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में आप देखो आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ होगा। आपकी कुंडली में आप देखिए 1 से और 12 के बीच में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा इस खाने में जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यह खाना आपको लेना है और नंबर देखना है आपको यहां पर कौन सा लिखा हुआ है। यह नंबर ही आपको बताएगा कि आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा, आपका विवाह कहां होगा। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना पता करना है कि इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको पता लग जाएगा। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का नक्शा बना होगा, उसके अंदर आपको देखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा। तो ये जानने का बहुत सरल तरीका है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में यदि आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो या 9 नंबर लिखा हुआ हो, 1, 5 या 9 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में 2 लिखा हुआ हो, 6 लिखा हुआ हो या 10 लिखा हुआ हो, 2, 6 या 10 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का
जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में यदि 3 लिखा हुआ हो, 7 लिखा हुआ हो या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह है जन्म स्थान से या वर्तमान दिशा में वर्तमान समय में जहां रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर, 4 या 8 या 12 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह है वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ से शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। तो यह तो है दिशा जानने का तरीका, शादी कहां किस दिशा में होगी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विवाह किससे होगा, कैसा मिलेगा हमें जीवन साथी, हमारा जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, तो यह भी इस नंबर के माध्यम से ही आपको पता लगना है। इस कुंडली के जिस खाने में, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, ऐसे आप देखिए आपकी कुंडली में यह खाना जो बना हुआ है, नक्शे के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ होगा, तो यह मंगल ग्रह की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वह जीवन साथी कदकाठी में सामान्य मिल सकता है, लेकिन बहुत धैर्यवान, छोटी छोटी बात पे क्रोध करने वाला हो सकता है, लेकिन बहुत साहसी, बहुत मेहनती और अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल, अपनी मेहनत से जीवन में कुछ बेहतर कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है। पुलिस में, आर्मी में या कोई बहुत अच्छा रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला या किसी न किसी प्रकार से ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, बहुत बार देखा गया है कि सरकारी पदों पर भी अभिषिक्त होता है। लेकिन ऐसे लड़के लड़कियों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तेज मिजाज का होता है, यानी उसकी स्वाभाविक स्थिति थोड़ी तेज रहती है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ सकता है, लेकिन स्पष्ट बोलने वाला सत्यवादी जीवन साथी ही मिलता है ऐसे लोगों को। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे ओवरऑल वैसे ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, इसके लिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ होगा, तो यह शुक्र ग्रह की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है दिखने में सुंदर हो सकता है, रंग रूप कहीं ना कहीं गौर वर्ण का लाइफ पार्टनर मिलने की स्थिति ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन बहुत भावुक प्रवृत्ति का, दिखने में सुंदर, संगीत प्रेमी, कला नृत्य का शौकीन हो सकता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो एक से अनेक कार्य क्षेत्र उसके हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाला एक अच्छा गुणी, गुणवान, अच्छा जीवन साथी ही मिलता है। शर्त इतनी है कि वहां पर शुक्र की स्थिति और कुंडली में अच्छी हो जाए। इससे आगे हम बढ़ें। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर 3 लिखा हुआ होगा, तो यह बुध की राशि होती है। ऐसे लड़के लड़कियों का लाइफ पार्टनर कदकाठी में सामान्य होता है, लेकिन बहुत वाणी का मीठा बोलने वाला, बहुत बुद्धिमान, बहुत कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा व्यापार करने वाला हो सकता है, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ जीवन साथी मिल सकता है, अकाउंट से रिलेटेड कोई कार्य करने वाला जीवन साथी मिल सकता है, कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है कदकाठी सामान्य लोग होती है, लेकिन बोलने में बहुत मीठा होता है और अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला होता है कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी छोटी छोटी बात पर विचारधारा भी परिवर्तित होती रहती है। इससे आगे हम बढ़े। इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है इस खाने में 4 नंबर लिखा हुआ होगा, तो यह चंद्रमा की राशि होती है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है ना बहुत भावुक प्रवृत्ति का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, दिखने में सुंदर होता है, लेकिन छोटी छोटी बात पर आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आने वाली स्थितियां बन जाती है ऐसे लोगों के जीवन साथी के। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है उसका छोटी छोटी बात पर निर्णय कहीं ना कहीं बदलता रहता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है
वो जल से, दूध दही से रिलेटेड कोई कार्य करने वाला या कोई अच्छे बड़े सरकारी पदों पर अभिषिक्त भी देखा गया है। कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन या व्यापारी भी ऐसे लोगों को जीवन साथी के रूप में मिलता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर यदि 5 नंबर लिखा हुआ होगा ना, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो राजाशाही मिजाज का होता है, क्योंकि ये सूर्य की राशि होती है। हर घर में या अपने लाइफ पार्टनर पर अपना हर तरीके से हुकूमत जमाने वाला होता है। यानी ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो हर तरीके से अपनी बात मनवाने वाला होता है। छोटी छोटी बात पर क्रोध कर सकता है, लेकिन समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा सम्मान होता है। बड़े सरकारी पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। कोई डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या किसी टेक्निकल फील्ड से जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलने की पावरफुल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर 6 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जीवन साथी ये बुध की राशि होती है। कदकाठी सामान्य होता है। कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन या व्यापारी मिलता है ऐसे लोगों को, बोलने में, यानी बुध की राशि है तो वाणी का कारक ग्रह होता है बुध, वाणी सौम्य होती है, अच्छी होती है। अपनी वाणी के प्रभाव से ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं ना कहीं सब लोगों पर राज करता है। अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करने वाला होता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बहुत बार मैंने देखा है छोटी छोटी बात पर दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं विवाद भी बना रहता है। इसलिए बेहतर होता है कि ऐसे लोगों को अपनी कुंडली प्रॉपर मैच करवा के ही फिर आगे निर्णय लेने की स्थिति में बढ़ना चाहिए। यह विवाह करने से पूर्व विचारणीय विषय है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा है ना, इस खाने में आपकी कुंडली में 7 नंबर ही लिखा हुआ है, तो ये शुक्र की राशि है, बहुत सौम्य प्रकृति की राशि होती है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अधिकांश देखा गया है बहुत ही अच्छा चलता है। जीवन साथी सुंदर मिलता है, बोलने से, दिखने से, हर प्रकार से व्यवहारशील होता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर हो सकता है, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, कला नृत्य किसी न किसी तरीके से कोई ऐसे क्रिएटिव वर्क करने वाला जीवन साथी मिलने की पावरफुल कंडीशन होती है। लेकिन कुल मिला के ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर देखा गया है, जीवन साथी अच्छा ही मिलता है। शर्त इतनी है कि शुक्र की स्थिति भी कुंडली में अच्छी हो। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आपके 8 नंबर लिखा हुआ हो, तो यह मंगल की राशि होती है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर कदकाठी सामान्य रहती है और रंग रूप भी कहीं कहीं सामान्य रहता है, लेकिन छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला, छोटी छोटी बात पर विवाद करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य या पुलिस आर्मी से संबंधित कोई कार्य करने वाला या कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला या कोई भूमि से संबंधित किसी न किसी प्रकार से उसका कार्य क्षेत्र रह सकता है। लेकिन ओवरऑल ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन ठीक चलता है। यहां पर एक ही कहीं ना कहीं नेगेटिव चांस रहता है कि मंगल की स्थिति यदि कुंडली में खराब हो तो पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बात पर वाद विवाद होते रहते हैं। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा है वहां पर यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर यदि किसी के 9 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, गुणवान, धर्म कर्म हर प्रकार से, यानी उसकी जो बुद्धिमता होती है वो ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। बहुत समझदार, बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान, हर किसी काम को बहुत ज्यादा विचार करके करने वाला, शास्त्र और वेदों की मर्यादाओं से अपना जीवन यापन करने वाला एक बहुत गुणवान जीवन साथी मिलता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत बार देखा है सरकारी बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। सरकारी सेवाओं में मिलते हैं ऐसे लोगों के, ज्यादातर चांस ऐसा बनता है कि जीवन साथी किसी न किसी प्रकार से ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य उपदेश दे करके या किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार का जीवन साथी मिलता है। रंग रूप गौर वर्ण का होता है, लेकिन बहुत सौम्य प्रकृति होती है ऐसे लोगों के जीवन साथी की, और कुल मिला के ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन चलता है वो ओवरऑल ठीक चलता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में किसी के 10 नंबर लिखा हुआ हो या 11 नंबर लिखा हुआ हो, ये शनि की राशि है तो 10 और 11 नंबर में एक साथ बता देता हूं, 10 नंबर लिखा हुआ हो या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है रंग रूप उसका सामान्य रहता है, लेकिन छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला, कलह क्लेश करने वाला, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला, इस तरीके का जीवन साथी मिलने की प्रबल कंडीशन होती है। और ऐसे
एक बात और विशेष मैं बता दूं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है वहां पर 10 या 11 नंबर किसी की कुंडली में लिखा है, ऐसे लोगों का मैरिज होने में भी बड़ी दिक्कतें आती है, मैरिज होने में बड़ा व्यवधान आता है। जीवन साथी कहीं ना कहीं कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कोई केमिकल से संबंधित कार्य करने वाला, एडवोकेट मिल सकता है, या कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को 100% प्रॉपर कुंडली मैच करा के विवाह करना चाहिए, क्योंकि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों के बीच में पहले बात तो विवाह होने में बाधाएं आती है, और विवाह हो जाता है तो छोटी छोटी बात पर वाद विवाद की स्थितियां बनने की संभावना ज्यादा रहती है। और कुंडली अगर जब परफेक्ट मैच हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आता, जीवन ओवरऑल बेहतर चलता है। अंतिम राशि है मीन राशि, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 12 नंबर किसी के लिखा है, तो निश्चित रूपेण ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है गौर वर्ण का होगा, धर्म कर्म को समझने वाला, वेदों को समझने वाला, बहुत पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, गुणवान, एक अच्छा योग्य गुणी जीवन साथी मिलता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो हर किसी भी कार्य को करने से पूर्व अपने जीवन साथी के साथ उसे प्रॉपर डिस्कस करके उसके पश्चात ही निर्णय लेते हैं। तो कुल मिला के जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा है वहां 12 नंबर लिखा हुआ होगा, तो बहुत अच्छा, गुणवान, एक सुखी दाम्पत्य जीवन रहता है ऐसे लड़के लड़कियों का। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ये ओनली आपके मैरिज हाउस में लिखी राशि के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इसी, ये जो मैंने जानकारी दी है इसी को अंतिम जानकारी ना समझे, इसके अलावा भी और बहुत से दूसरे सूत्र होते हैं जो जीवन साथी को लेकर के देखे जाते हैं, विचार किए जाते हैं। यह ओनली मैंने आपके मैरिज हाउस में लिखी राशि के अकॉर्डिंग जानकारी दी है। इसमें और भी डिटेल में चेक करते हैं तो नवांश कुंडलियों में जाकर के कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन होती है जो साधारण लोग नहीं समझ पाते, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसे पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके देखता है और आपको बताता है। लेकिन ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये बहुत ज्यादा प्रचलित में है, और मैं बहुतायत इन चीजों को किसी की भी कुंडली देखते समय कैलकुलेट करता हूं, और मैंने अनुभव में देखा है कि सप्तम भाव में लिखी राशि के अकॉर्डिंग जीवन साथी मिलने की स्थिति बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। सप्तम भाव में लिखी राशि के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का विवाह किस दिशा में होगा, कहां होगा, यह भी बहुतायत सटीक पाया गया है। और भी बहुत सारे नियम है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारी विधाएं हैं एस्ट्रोलॉजी में, विवाह किससे होगा, विवाह कहां होगा जानने की, टैरो कार्ड है, रमल ज्योतिष है, लाल किताब है, बहुत अलग अलग प्रकार की विधाएं। ये जो मैंने सूत्र आपको बताए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सूत्र बताए हैं। तो मेरा एक विशेष निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, और जानकारी वाकई में अच्छी लगी और हमेशा विवाह से संबंधित मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैरिज से रिलेटेड नई नई रिसर्च के साथ बिल्कुल सटीक जानकारियां लेकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।